दोस्तों आपका अकाउंट एनपीए है या स्ट्रेस में है, ऐसे में टू हो गया है कोविड की वजह से और बहुत सारी परेशानियां हैं, तब भी क्या आपको बैंक से लोन मिल सकता है? जी हां, मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 26 जून 2020 को एक अनाउंसमेंट किया था, एक स्कीम की घोषणा की थी, जिसका नाम उन्होंने कहा था कि यह स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट टू स्ट्रेस्ड लोन अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम के बारे में वैसे तो आप ये आई बटन दबाकर पूरी डिटेल देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं ब्रीफ में कि वो स्कीम क्या थी। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया है कि वो सभी एमएसएमई के अकाउंट जो 31 मार्च 2018 को स्टैंडर्ड थे, क्योंकि दोस्तों सरकार का ये मानना है कि भैया देखिए 2018 में तो कोविड ओविड का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो कम से कम आपका 2 साल पहले यानी 31 मार्च 2018 को अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, 1 अप्रैल को अगर वो एनपी हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा था कि देखिए आपका जो अकाउंट है वो 30 अप्रैल 2020 को या तो एसएमए 2 हो या फिर वो एनपीए डिक्लेयर हो चुका हो। तब सरकार ने कहा था कि हम आपको सबऑर्डिनेट डेट के रूप में बैंक से ये लोन दिला रहे हैं जिसका रिपेमेंट आप 10 साल में कर सकते हैं और 7 साल तक जिसमें आपको कोई प्रिंसिपल देने की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों ये जो लोन था, ये कहा गया कि देखिए आपका जितना भी स्टेक है प्रमोटर्स का, चाहे आपने इक्विटी के रूप में लगाया या डेट के रूप में लगाया, उसका 15% तक आपको ये सबऑर्डिनेट डेट दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी अधिकतम राशि 75 लाख रुपीज ही निर्धारित की गई थी। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने कहा था कि 90% गारंटी हम देंगे, और ये जो स्कीम है सरकार ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर लिया है इस सबऑर्डिनेट डेट स्कीम के लिए। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत जहां प्रोविजन हुआ 20,000 करोड़ का, वहां अभी तक कितना डिस्बर्स हो चुका होगा? जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक ये जो फिगर पहुंची है इस सबऑर्डिनेट डेट स्कीम के अंतर्गत वो लगभग 40 करोड़ है, यानी दोस्तों 0.2% ऑफ टोटल अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आखिर इसकी रीजन क्या है? हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में बात की, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी जहां पर और भी स्टेक होल्डर्स थे, सबने डिस्कस किया, हमने भी बहुत सारे सुझाव दिए मिनिस्ट्री को ताकि ये स्कीम का फायदा मिल सके एमएसएमईज को और खास तौर से उन एमएसएमईज को जो स्ट्रेस में है। दोस्तों इस स्कीम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये लेंडर कौन है, कौन लोग हैं जो कौन लेंडर्स हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत ये सबऑर्डिनेट डेट दे सकते हैं, यानी वो बैंक होंगे, एनबीएफसी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, बैंक्स होंगे तो किस तरह के बैंक होंगे, सरकारी होंगे, प्राइवेट होंगे, और कौन लेंडिंग कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। दोस्तों एक बात और, आपने कह तो दिया कि भाई देखिए जो प्रमोटर्स का स्टेक है उसका 15% हम लोन देंगे, ये स्टेक कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोस्तों ये भी हमें जानना है कि जो बैंक्स है वहां पर एप्लीकेशन हम कैसे सबमिट करें, क्या कोई ऑनलाइन सिस्टम है इस लोन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, और अगर हम फिजिकली जाते हैं अपनी एप्लीकेशन देने के लिए और बैंक हमारी एप्लीकेशन नहीं लेते तो हमें क्या करना है? दोस्तों इस स्कीम की एक और गाइडलाइंस है, उसमें कहा गया है कि देखिए ये जो फैसिलिटीज है सबऑर्डिनेट डेट की उन्हीं लोगों को मिलेगी, उन्हीं एमएसएमईज को मिलेगी जिनकी यूनिट 2018-19 और 19-20 में ऑपरेशनल हो। इसका भी बहुत सारा कंफ्यूजन है एमएसएमई के मन में। दोस्तों अब इन सभी समस्याओं का जवाब लेकर हम आ गए हैं आपके पास एक वेबिनार के रूप में। 12 अप्रैल 2021 को हम ये वेबिनार कर रहे हैं दोस्तों, शाम को 4 बजे। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, प्लीज आइए अपनी डिटेल दीजिए, ज्वाइन कीजिए और जानिए सारी जानकारी इस क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक के लिए। जी हां, अगर आपके मन में ये डाउट है कि भैया ये तो स्कीम 31 मार्च 2021 को खत्म हो गई है, तो अब ये क्लियर कर लीजिए
कि अब ये स्कीम 30 सितंबर 2021 तक एप्लीकेबल रहेगी। टोटल गाइडलाइंस इसकी बहुत जल्द इश्यू हो जाएंगी। आइए इस वेबिनार में जानिए इस स्कीम की सारी जानकारी। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार। मैं इंतजार करूंगा आपका 12 अप्रैल 2021 को शाम को 4 बजे।